I would request with all, you know, the gratitude, Sri Yogendra Yadavji, to give his opening note for a few minutes. It will be for 10 to 15 minutes. We have a specific program. Every speaker will be given a specific time, and I, with our folded hands request, we will all abide by that time so that we can gain much from this organ, from this evil. Thank you very much. Yogendra Yadavji, please. Yeah. Stage for Mazood. Sabhi Sathi. Aur yahan is baatcheet, is seminar, is discussion mein hissa lene ke aaye hue hamare sabhi saathiyon. Main aap sab ka swagat karna chahta hoon. Sabko bahut bahut shukriya ada karna chahta hoon ki aapne apna waqt nikala is baatcheet ke liye. Mujhe shuruaat mein apni taraf se koi अपना डेफिनेट ओपिनियन नहीं रखना. हम यहां आपसे कुछ सीखने के लिए आए हैं, और अगर वक्त मिला, आदिल साहब वक्त निकाल पाए, तो मैं आखिर में अपनी कुछ बात रखना चाहूंगा. शुरू में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ये सेमिनार हमने क्यों ऑर्गेनाइज किया. स्वराज अभियान की तरफ से हमने चार बड़ी एक्टिविटीज़ में अपने आप को कमिट किया है. एक है जय किसान आंदोलन, जिसमें हिंदुस्तान के किसान के सवाल को हम उठाते हैं. दूसरा है एंटी करप्शन टीम, जिसमें भ्रष्टाचार करप्शन के सवालों को हमने उठाया, उठाते रहे हैं. तीसरा है शिक्षा स्वराज, जिसमें एजुकेशन के सवाल, एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम सवालों को हम उठाते हैं. और चौथा है अमन कमेटी, जिसकी तरफ से आज का प्रोग्राम किया जा रहा है. इस अमन कमेटी के कन्वीनर ओरिजिनली प्रशांत जी थे. हाल ही में प्रशांत जी ने आदिल भाई को रिक्वेस्ट किया है कि वो अब इसको कन्वीनर बने. इस पहले आप आदिल साहब इसके को कन्वीनर थे. अब हमारी खुशकिस्मती कि आदिल साहब ने इसका कन्वीनर होना कबूल किया है. प्रशांत जी आपके बीच में आज नहीं आ पा रहे, उसकी वजह मैं बता दूँ. उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है 10 दिन पहले, और हम सब की उम्मीद थी कि इस तारीख तक तो ठीक हो ही जाएंगे. उनका 31 तारीख को या 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनको डॉक्टर ने और एडवाइस किया है रेस्ट. उनकी बहुत इच्छा थी, मैं कल ही उनसे मिला, उनकी बहुत इच्छा थी इसमें आने की, लेकिन मेडिकली वो आ नहीं पा रहे हैं. हम रूटीनली सेमिनार नहीं करते हैं. सिर्फ सेमिनार करना हमारा काम नहीं है. आज एक बहुत खास वजह से हम इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आज इस देश में एक खास तरह का कॉन्टेक्स्ट है, और पिछले 3 दिन से, जब से मैं अमेरिका में देख रहा हूं कि ये ट्रंप साहब के जीतने के बाद अमेरिका वालों को क्या महसूस हो रहा है, सो मुझे लग रहा था कि देखो, आज से 2 साल पहले कितने लोगों को हिंदुस्तान में भी ऐसा ही महसूस हुआ था. वो जो कॉन्टेक्स्ट है, सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त मैंने कई साथियों से कहा था कि आप जिस तरह का हमला सोच रहे हैं वो नहीं होगा, और जिस हमले की हमने तैयारी नहीं की है वो होगा. मैंने कहा था कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कोई खास बदला नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस देश में लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आपको कानून बदलने की कोई जरूरत नहीं है. इस देश के 99% लोगों के लिए कानून वो है जो कि SHO मानता है. इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि SHO समझता है. लोकल थानेदार जो कह देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. और अगर आपने किसी तरह से SHO को इशारा कर दिया, थानेदार को आंख मार दी, तो बस इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये रूट अख्तियार किया जाएगा, ये थानेदार और SHO का मिजाज बदल जाएगा,
कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सब अच्छी अच्छी बातें कहेगा, कानून में आउट ऑफ द वे जाके कोई बड़े चेंजेस नहीं किए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तबके के लिए उनकी सिटीजनशिप के मायने बदल जाएंगे बिना कुछ बदलाव किए कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमने देखा है पिछले 2 साल से ऐसा ही हुआ है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे में जब सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव आता है तो जाहिर है इसमें खतरे की घंटी बज जाती है। सबको लगता है कि देखो जो खतरा हमें था वो अब हो गया, ये होने वाला है। और उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन आया, तमाम मुस्लिम्स का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताने वाले ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, अपने आप को सेकुलर पार्टीज कहने वाले लोगों की तरफ से, वो बहुत प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था। और हम जैसे कुछ लोगों को उस रिएक्शन में भी उतना ही खतरा नजर आया जितना कि सरकार के प्रपोजल में। कुछ दोस्तों से मजाक करते हुए मैंने कहा कि देखो अमित शाह ने गड्ढा खोदा है यूपी चुनाव से पहले, और हमारे सब दोस्त आके अपना पांव उस गड्ढे के अंदर दे रहे हैं। उसे पता है, उसने सोच के टाइम करके गड्ढा खोदा है कि चुनाव से 6 महीना पहले इसकी चर्चा चलाओ, और मुझे पता है क्या होगा, जैसे ही चर्चा चलेगी मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या कहेगा, मुझे पता है अमित शाह ने सोचा होगा। और उसने ये सोचा होगा कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी और ये सब क्या बोलेंगी, ये भी मुझे पता है, और फिर मिला के कांग्रेस क्या बोलेगी, ये भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। और उसने सोचा होगा कि यूपी इलेक्शन से 2 महीना पहले इससे बढ़िया माहौल बन नहीं सकता कि हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखिए पहली बार इस देश में मोदी जी को महिलाओं की चिंता हो गई है, औरतों की चिंता हो गई है, तो वो कह रहे हैं मतलब हम औरतों के लिए जस्टिस चाहते हैं, हम सबके लिए बराबरी चाहते हैं, और वो कह रहे हैं हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं इस देश में, जो संविधान में लिखा हुआ है हम वो चाहते हैं। तो यूपी इलेक्शन से पहले कितना बढ़िया माहौल बन रहा है आप देखिए। बीजेपी कह रही है कि हम इस देश के संविधान को लागू करवाना चाहते हैं, हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, हम इस देश के हर सिटीजन को बराबर ट्रीट किया जाए ये चाहते हैं, और उधर अपने आप को सेकुलर कहने वाली सारी जमात आज क्या कहती हुई दिखाई दे रही है, नहीं 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 ये हम नहीं होने देंगे, नहीं 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 इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ बू आ रही है, कुछ बहुत गड़बड़ है। और जो जिसको इस झगड़े से कोई खास या डिफरेंसेस से इन बातों की कोई खास समझ नहीं है, जो सिर्फ अखबार पढ़ता है, टीवी कभी कभार खोल के देख लेता है, उसके मन में क्या छवि बनती है, उसके मन में इमेज ये बनती है कि देखो इस देश के कुछ समझदार पढ़े लिखे लोग वैसे तो ठीक दिखाई देते थे, लेकिन अब देखो ये ट्रिपल तलाक को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं भी अपनी साइड कुछ नहीं ले रहा इस डिस्प्यूट में, मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अमित शाह जी ने क्या सोचा होगा तस्वीर बनाने का, और क्या तस्वीर बन रही है। और इसलिए हम लोगों को चिंता है, चिंता सिर्फ इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा, वो सबसे बड़ा सवाल इस मुल्क का नहीं है, सवाल ये है कि बार बार, और ये कम से कम पिछले 20-25 साल का किस्सा है, इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। एजेंडा सेट करने वाले कोई और होते हैं, बाकी लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने में जो उनके लिए रोल पहले से तय किया होता है वो आके वो रोल प्ले करके चले जाते हैं। क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या हम कोई एक इस पूरे सवाल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम से जो सवाल चलाया गया, ये जो मतलब शगुफा छोड़ा गया है, क्या हम इसको कोई अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं? बस सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए हमने आज का ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। अपनी तरफ से कोशिश करके, आदिल साहब ने बहुत मेहनत करते हैं, जब से बात हुई तब से लगे हुए हैं इस चीज़ पे,
कोशिश करके हमने अलग अलग मुख्तलिफ आवाज़ों को यहाँ इकट्ठा किया है, ऐसे लोगों को बुलाया है जिनकी इस मामले पर कमिटमेंट में कोई शक नहीं हो सकता, लेकिन जिनमें कुछ अलग सोचने की ताकत है। तो सवाल ये है कि जिसे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम देता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ नाम है, हम इसे बहुत बदल नहीं सकते, उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसकी कोशिश की जाएगी कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। बहुत बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसके बारे में, तो आखिर में तय हुआ कि ठीक है, कोशिश की जाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अब यूनिफॉर्म का मायने क्या? क्या यूनिफॉर्म का मतलब आइडेंटिकल? क्या ये मतलब है कि इस देश के तमाम जो पर्सनल लॉज हैं वो ख़त्म हो जाएं, केवल एक कोड हो जिसको हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब उसी को लागू करे, उसी हिसाब से शादी ब्याह हो, उसी हिसाब से तलाक हो, उसी हिसाब से जायदाद का बंटवारा हो? या कि यूनिफॉर्म का मतलब है कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, के मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं कोड्स, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉमन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कॉमन हैं उनके। कम से कम मेरी समझ में ये जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है वो हमारे देश के लिए, हमारी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो ये जो शब्द है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमें बांधता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन सिविल कोड शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो हमारी नीयत को साफ करता है। यूनिफॉर्म से कहीं ना कहीं आइडेंटिकल होने की बू आती रहती है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की नीयत थी वो ये थी कि प्रिंसिपल्स कॉमन होने चाहिए। अब वो कॉमनैलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स कैसे हो, किस तरह से हो जिससे हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जो सिटीजन्स हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, उनको एक बराबरी सिर्फ हक में ना हो, हक में बराबरी हमारा संविधान देता है, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता हमारा संविधान कहता है, लेकिन साथ ही किसी भी रिलीजन को मानने वालों का जो पर्सनल लॉज हैं उसमें कम से कम कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स एक जैसे हों जिसका वॉयलेशन ना हो, और ख़ास तौर पे औरतों के साथ गैर इंसाफी जो इस दुनिया का हर इंस्टीट्यूशनल रिलीजन करता आ रहा है, ये बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ। और इस बात को हालांकि कमरे में आदमियों की मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसे लोगों की जो थोड़ा सेंसिटिव हैं, इस दुनिया का हर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन औरतों के साथ नाइंसाफी का बर्ताव करता रहा है, जिसे ठीक करना हमारे मुल्क के बुनियादी प्रिंसिपल्स में से एक है। इस बात को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो मैंने कहा था मैं अपनी तरफ से कोई तकरीर नहीं करूंगा, उस दिशा में मैं बढ़ने लगा था इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया। सिर्फ ये सवाल मैं आप सबके सामने छोड़ के जाना चाहता हूँ कि ये जो सरकार ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले शगुफा छोड़ा है, क्या हम इसका प्रिडिक्टेबल रिएक्शन देंगे या कि हम कोई अलग किस्म का रिएक्शन सोच सकते हैं इस पर? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द को जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हम कोई ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और क्या हम ऐसा बदलाव सोच सकते हैं सिर्फ एक पर्सनल लॉ में नहीं, तमाम पर्सनल लॉ में? जो भी मेरे से बात करता है मैं याद करवा देता हूँ, भैया ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाए, क्योंकि हमारे कई साथी जो संयोग से हिंदू हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। साहब क्यों नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। देखो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये टैक्स रिलीफ तो सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, बाकियों को तो नहीं मिलता, तो ऐसा करते हैं इसको बंद करवा देते हैं, कॉमन यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। वो कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात तो नहीं है। कह यार अब आप ही कह रहे थे कि कॉमन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब यूनिफॉर्म क्यों नहीं होने देते, है ना? तो ये जो कॉमनैलिटी है वो सब पे हम कैसे बना सकें, वो क्या प्रिंसिपल्स हों जिसकी लाइट में
हम किसी भी रिलीजन के अगर हों, किसी भी रिलीजन के पर्सनल लॉ में ऐसा कुछ भी है जो औरतों के हक के खिलाफ जाता है या किसी भी तरह की नाइंसाफी करता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये मेरे सवाल हैं। हमारे जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना यकीन मानिए, ये सवाल इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने और किस तरह से इस देश के सेकुलरिज्म को अगले 20-30 साल तक जिंदा रखा जा सके, 50 साल तक बचाया जा सके, इस चिंता से, इस एंग्जाइटी से पैदा हुए ये सवाल है। जब तक हम एक दूसरे के सवालों को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, तो हम जरूर कोई ना कोई जवाब निकाल लेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो इसमें और कुछ न जोड़ते हुए मैं आप सबसे कहूँगा कि एक सिर्फ मंच से कई बातें होंगी, कई साथी अपनी बात रखेंगे, लेकिन आदिल साहब ने आखिर में एक खुला एक्सचेंज का भी रखा है। कुल मिला के क्या आज की पूरी चर्चा के आखिर में क्या हम अपना मन बना सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? एक जेन्युइन सेकुलर रिएक्शन इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? अगर वो हम कुछ सीख के जा सकें, और अगर कोई कोशिश हो और गुंजाइश हो, मुमकिन हो, तो एक कॉमन पोजीशन लेके जा सकें, तो आज की ये बातचीत सफल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र भाई ने एक सवाल उठाया, सवालों पर सवाल उठाया, कि इस देश में सवाल करना चाहिए, और असल मसला यहीं से है कि इस देश में सवालों पर सवाल उठने लगे हैं और सवालों पर पाबंदी का दौर आ चुका है। ऐसे दौर में हम सवालों पर टिक कर अपने सवालों को भीतर और हमारे बाहर के दायरे में उठाने वाले बने, यही हमारी कामयाबी हो।